मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि उनकी फिल्म एंटी मुस्लिम नहीं है। अनिल शर्मा ने कहा कि फिल्म में यूनिटी दिखाई गई है। अनिल का कहना है कि उनकी ऑडियंस मुस्लिमों में काफी बड़ी है, मुस्लिम ऑडियंस से उन्हें काफी प्यार है। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म में गीता और कुरान दोनों को स्वीकार करने की बात की गई है। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा वे किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है, उनके बयान पर गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। इसी के साथ उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन ने बेटे का बचाव किया। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया, भाजपा ने एक झूठी कहानी फैलाई है। पीएम ने भी बिना सच जाने इस पर कमेंट किया। WHO ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से COVID-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने कहा कि यूरोप में कोरोना की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि एशिया और मिडिल ईस्ट में मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार 6 सितंबर को कहा कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। जब तक ये असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वे राज्य के विश्वविद्यालयों को भ्रष्टाचार और हिंसा मुक्त बनाने की लड़ाई जारी रखेंगे। राजभवन की ओर से हाल ही में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि पहले नियुक्त किए गए कुलपतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुई कुछ नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने गुरुवार को आदित्य L1 पर लगे कैमरे से ली गई सेल्फी के साथ पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों को 4 सितंबर को खींचा गया है। सेल्फी में आदित्य पर लगे 2 इंस्ट्रूमेंट VELC और SUIT नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी में वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए इस निर्णय की घोषणा की। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। कांग्रेस नेता राय ने कहा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में जमानत जब्त होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि जब किसी मामले में FIR होने में देरी हुई हो और उसका स्पष्टीकरण भी ना दिया गया हो तो ऐसे मामलों में अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और सबूतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा पाए 2 लोगों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। हत्या के इस मामले में 1989 में मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने आशंका जताई कि जेल में उसकी हत्या की जा सकती है। ऐसे में उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि जेल में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही उसने सोनभद्र से ट्रांसफर होकर बांदा जेल में आई एक सिपाही से खुद को खतरा बताया है।